नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम दिल्ली सल्तनत शुरू कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम खिलजी वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में और तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश की हम बात करेंगे भाई। सैयद वंश को हम स्टार्ट करते हैं और सैयद वंश के संस्थापक कौन है इसके भी बात करेंगे। तो सैयद वंश का सबसे पहले टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाए तो सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है भाई। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है ये स्टार्ट होता है आपका 1414 से लेकर कब तक चलेगा, 1451 तक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे इसके खिजर खां। कब शासक बने ये और कब तक रही, 1421 तक। कौन था ये बंदा, तैमूर का सेनापति हुआ करता था भाई, तैमूर का सेनापति हुआ करता था। और जो सैयद वंश था ये एकमात्र सिया वंश था भाई। क्या था ये, एकमात्र सिया वंश। तो आपसे पूछ लिया जाए एकमात्र सिया वंश कौन सा है आपका, ये है भाई सैयद वंश। इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तैमूर का क्या हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था भाई खिजर का। और इसकी अगर हम बात करें शासक बनने से पहले ये कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, कहाँ का सूबेदार था भाई, ये दीपालपुर का ये सूबेदार हुआ करता था, सिवाना का ये सूबेदार हुआ करता था भाई, मुल्तान का ये सूबेदार हुआ करता था। तो इस प्रकार से क्या था, ये पहले सूबेदार के पद पे बैठता था, दीपालपुर हुआ, मुल्तान हुआ, सिवाना हुआ, यहाँ पे क्या था ये सूबेदार के पद पे बैठा हुआ था। अगर बात की जाए खिजर खां की तो ये वंशज किसके थे, वंशजों की अगर हम बात करें तो ये हजरत साहब के क्या थे भाई, वंशज थे। जो हजरत था कौन था, हजरत, हजरत जो पैगंबर था, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहिब क्या थे भाई, ये इसके क्या थे डियर, इसके थे ये वंशज। कौन था हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जी, कौन था ये बेचारा शरीफ सा बंदा, नहीं पता, वाह मेरे लालो क्या करोगे फिर तुम, क्या हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब क्या करने के लिए आया था, तारे लठा की जरूरत, लठा की जरूरत है भाई तारे, और कोई फंडा नहीं है, ऐसा ही है ना, ना सर तो और क्या, और किसकी जरूरत है बताओ। वैसे तो आप पढ़ते ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पाए तो कहाँ पढ़ते हो, उस इस्लाम धर्म का संस्थापक। उसके बाद हम बात करें भाई, चर्चा करें हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब क्या है, इस्लाम धर्म के क्या है संस्थापक हुआ करते थे। तो उनके वंशज से ही था कौन, खिजर खां। खिजर खां शासक तो बन गया लेकिन ये हमेशा ही अपने आप को सेवक समझता था, किसका, तैमूर लंग का सेवक समझता था। तो इसने एक उपाधि धारण की भाई, रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि, अपने आप को सेवक कहा, किसका, तैमूर लंग का। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में एक व्यक्ति और था जिसने अपने आप को सेवक गुलाम माना था, कौन था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सी उपाधि दान की थी,
सिपे सलार की उपाधि दान की थी। किसने भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिजर खां शासक बना हुए भी आराम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ है। दौलत खां को रास्ते से हटाता है और क्या करता है, ये गद्दी पे बैठ जाता है भाई। दौलत खां की हत्या करके क्या करता है, ये गद्दी पे बैठता है और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से क्या करता है, शासन करता है। कोई जनता को परेशान नहीं करता, आराम से वो कर रहा है, शासन कर रहा है, आराम से टैक्स भेज देता है। किसके लिए? तैमूर के लिए। तैमूर की मृत्यु हो चुकी है, इसका पुत्र आ चुका है शाहरुख, तो शाहरुख को नियमित रूप से क्या करता है, टैक्स भेजता है और आराम से अपने प्रशासन को चलाता है। जनता की भी सेवा करता है, जनता का भी ध्यान रखता है, कि हर चीज का क्या करता है, प्रॉपर वे से ध्यान रखता है, किसी को परेशान नहीं होने देता। 1421 में इस बेचारे की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। ये हो गया अल्लाह को प्यारा। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि दिल्ली की जो सारी जनता थी उसने शोक प्रकट किया था काले कपड़े पहनकर, कि भाई इससे अच्छा इंसान और शायद ही कोई हो, इतना अच्छा मानने लगी थी। और कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ने जब इसकी मृत्यु हुई, जब इसको कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है, तो उस टाइम पे दिल्ली की जनता ने आंसू बहाए थे। कितना महान शासक और नहीं हो सकता। तो खिजर खां बेचारा क्या होता है भाई, चल बरसता है 1421 में। 1421 में बेचारे की क्या हो गई भाई, इसकी हो गई मृत्यु। इसके बाद इसका होनहार पुत्र शासक बनता है, और शासक कौन है, वो शासक है मुबारक शाह। मुबारक शाह शासक बना भाई। कब बना, कब तक रहेगा? 1434 तक। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम करें बेचारे की चर्चा, मुबारक शाह बन गया शासक। शासक बनते ही मुबारक ने क्या किया, शाह की उपाधि दान कर ली। कौन सी उपाधि दान की भाई, शाह की। मुबारक नाम था इसका, मुबारक शाह इसलिए कहा गया क्योंकि इसने क्या की थी, शाह की उपाधि दान कर ली थी। और अब ये शाह की उपाधि यानी इनकी पैतृक उपाधि बन जाएगी। अब जो भी शासक बनेगा वो क्या करेगा, शाह की ही उपाधि दान करेगा भाई। तो मुबारक शाह यहाँ पे शासक बना और इसने क्या किया, शाह की उपाधि दान कर ली। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया भाई, सुल्तान की उपाधि भी दान की। सुल्तान की उपाधि इसने दान कर ली भाई। अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के किसके, जिंदल फैक्ट्री, ये करेंसी बनाने का काम करते हैं भाई। हाँ जी, उनका चलता कुछ नहीं बेचारों का, करेंसी बनाते हैं ये जो, नहीं भारत सरकार, खुद के नाम से थोड़ी चलेंगे, खुद के नाम से तो खुद के उसमें साम्राज्य में चला सकते हैं। उसमें भी क्या होगा कि भाई आओ किसी को कुछ लेना देना है तो वो एक्सचेंज करवा लो, वो करेंसी अंदर के अंदर वो करेंसी चलती रहेगी। जैसे आप बाहर जाते हो तो चेंज करवाते हो करेंसी, नहीं चलती भाई कहीं पे भी नहीं चलती। हाँ करेंसी बनाते होंगे, ऐसा हो सकता है, और के भी बनाते होंगे। अब आप ठेकेदार हो, ठेका ले लो किसी का भी, इसका ये मतलब थोड़ी कि बस आपकी चलती है सब कुछ। चीज़ों को बनाना अलग हो गया ना, चलाना अलग हो गया। चलाना तो तब होती ना, जिंदल स्टील फैक्ट्री के नाम से कोयन आते और वो बाजार में चलते हैं। ये आपका काम करेंगे तो आपका टैग लगेगा उस पर, तो इनकी तो नहीं चली, इनके तो बस कारखाना है, उस कारखाने में काम कर रहे हैं। तो अपने नाम के सिक्के जारी किए भाई, सुल्तान की उपाधि और शाह की उपाधि इसने धारण कर ली। इसलिए इसको क्या कहा गया भाई, सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था,
इज़र खान, ये क्या कहलाया? वास्तविक संस्थापक। इसने क्या किया? मुबारकाबाद नगर की स्थापना की भाई, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे क्या किया इसने? मुबारकाबाद नगर की स्थापना की भाई, कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे इसने क्या की थी भाई? स्थापना की थी। कौन सा नगर है ये? मुबारकाबाद। एक नगर है दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद, हाँ जी, किसने किया था तुगलकाबाद का फॉर्मेशन निर्माण कार्य? ग्यासुद्दीन तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या इनमें से कोई नहीं? क्यों फिरोज शाह नगर नहीं बनाया फिरोज शाह ने? तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने। आपने कई ट्रेन भी देखी होंगी दिल्ली, जब आप जाते हो तो तुगलकाबाद के नाम से ट्रेन भी है, ट्रेन के इंजन पे लिखा होता है तुगलकाबाद। तो यहाँ पे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की, जो कहाँ पे पड़ता है? यमुना नदी के किनारे ये पड़ता है भाई। इसका सेनापति भाई, सरवर उल मुल्क, ये हुआ करता था इसका सूबेदार। यहिया बिन अहमद, मुबारक शाही, क्या लिखी इसने? बुक लिखी भाई। यहिया बिन अहमद या फिर सरहिंद, इसने क्या की थी भाई? एक बुक लिखी थी मुबारक शाही, जिससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है हमें किसकी? मुबारक की। तो ये इसके ही क्या था? समकालीन था। जो सरवर उल मुल्क था, इसने हत्या कर दी किसकी? मुबारक शाह की। क्या कर दी भाई? मुबारक शाह की क्या कर दी इसने? हत्या कर दी। अब अगला शासक कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, अगला शासक कौन बना, कौन बनेगा अगला शासक, क्या नाम है? मोहम्मद शाह बन गया शासक भाई। कब बना, कब तक रहेगा ये बेचारा? चौदह तक। इस बेचारे की बात करें हम, मोहम्मद शाह की, बड़ा होनहार बंदा हुआ करता था मोहम्मद शाह, इसकी हम बात करें, इसकी हम क्या करें भाई? चर्चा करें। इसको शासक बनाया किसने? सरवर उल मुल्क ने। इसने उसका काम जचा दिया था, इसको शासक बना दिया। चलेगी किसकी? सेनापति की चलेगी। तो सरवर उल मुल्क है जो, मोहम्मद शाह इसके हाथों की क्या रहा? कठपुतली रहा भाई। इसके अधीन ही क्या करता है? ये कार्य करता है। अब इसकी बात करें हम, इसकी क्या करें भाई? चर्चा करें। सरवर उल मुल्क की हम बात कर लें, थोड़ी सी इस पे बहस की जाए। तो इसके हाथों की कठपुतली और अब तक का अयोग्य शासक ये रहा, एक अयोग्य शासक रहा भाई। इसकी बात करें हम, इसकी हम चर्चा करें थोड़ी सी। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही विद्रोह हो गए,
विद्रोह हो गए भाई। कहाँ पे? मुल्तान के शासकों ने चाहा विद्रोह करना, तो दिल्ली पहुंचने वाले थे, दिल्ली में भी विद्रोह करते हो, दिल्ली पर अटैक करते, तो लाहौर वगैरह, सरहिंद वगैरह, ये सारा का सारा जो क्षेत्र था, यहाँ से शुरुआत हो गई। और अब वो पहुंचना चाहते थे कहाँ पे? दिल्ली। तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है बहलोल लोदी। ये बड़ा अच्छा इंसान था, अलग अलग मनसाएं, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग चर्चाएं करते हैं। लोग कहते हैं कि ये भेड़ बकरियां चराने का काम करता था, और एक बार भेड़ बकरी चराने के लिए लाहौर के अंदर आया हुआ था, और जहां पे मन करता था भेड़ बकरियां वहीं चरती थी। किसी से डर नहीं था, किसी का कोई डर नहीं था इसको कि बंदा क्या करेगा, चरने नहीं देगा। कोई रोकने की कोशिश करता तो उसका खेल ख़त्म कर देता। कुछ इतिहासकारों का कहना है ये लाहौर और सरहिंद का उस टाइम पे सूबेदार हुआ करता था, कि इसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, तो फिर वहीं का क्या बन गया था, ये सूबेदार बन गया था। तो लाहौर में, सरहिंद में विद्रोह हो चुके हैं भाई, बहलोल अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आ रहा है, विद्रोह में तो क्या होंगे, खून खराबे होंगे। अब भेड़ बकरियाँ जिससे क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी भाई शोर शराबा से। ये बेचारी डरेंगी, तो कहा जाता है कि बहलोल को बात पसंद नहीं आई। बहलोल ने सबका क्या कर दिया, गेम बजा दिया, इनका कर दिया दमन। मोहम्मद साथ कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल निकम्मा, निठल्ला, कायर, फलाना दगड़ा, जितने शब्द हो सकते हैं इसके लिए ही बने हैं, तो ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इसका क्या हो गया भाई, धक्के से सूत आ गई, इसको दमन हो गया सबका। अब मोहम्मद शाह ने पता किया भाई कैसी कैसी बात है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। डर लगने लगा मोहम्मद शाह को कि ये बंदा कहीं दिल्ली ना आ जाए। ये अगर दिल्ली आया तो समझो अपनी गेम बजाएगा, छोड़ेगा नहीं बंदा, बड़ा निकम्मा आदमी है, ये है वो है फलाने दगड़े, पता नहीं क्या क्या विचार किए अगले ने। तो फैसला कर लिया जी आने का। अब फिर क्या होता है भाई, जो मोहम्मद शाह है इसको उपाधि देता है, किसकी, खान, खाना की उपाधि देता है। कहता है यार तू सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान इस धरती पर कोई है ही नहीं, खुश करने के लिए, ताकि ये बंदा दिल्ली ना आए। फिर ये क्या करता है, इसे अपना बेटा भी कहता है भाई, क्या कहता है, इसे अपना बेटा भी कहता है, तो बेटे की उपाधि भी देता है। और किसकी उपाधि देता है भाई, खान, खाना की उपाधि देता, ताकि क्या रखे, सुरक्षित रह सके। और फिर बेचारा मोहम्मद शाह क्या हो गया भाई, मर गया। अगला शासक कौन बना भाई, नेचुरल डेथ भाई, चौदह सौ इक्यावन तक भाई ये रहता है आलम शाह। अब आलम शाह की बात करें, इस बेचारे की बात करें, बड़ा अच्छा इंसान है आलम शाह, इससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और सबसे निकम्मा व्यक्ति है, इतना निकम्मा कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब इससे अपना साम्राज्य संभाला नहीं जा रहा है भाई, इससे अपना साम्राज्य संभाला नहीं जा रहा है। अब क्या किया जाए, इससे साम्राज्य नहीं संभाला जा रहा है, तो बहलोल संभाल लेगा। अब बहलोल का छोटा भाई हो गया इस नाते से, क्योंकि इसने बेटे की उपाधि दे दी, तो बहलोल ने इसके पास पत्र लिखा कि भाई तू कर क्या रहा है यार, तेरे से साम्राज्य नहीं संभल रहा, तू रुक मैं आता हूँ तेरे पास, संभालता हूँ मैं, देखता हूँ चीज़ों को कैसे चलानी है। बोला जी ठीक है आ जाओ कोई बात ना। तो अब ये आ गया जी, तो जैसे ही इसको पत्र मिला दिल्ली आने को कहा, तो आलम साहब आ गया यूपी। इसको लगा कि भाई ये आएगा तेरे काम जचावे, तो आलम साहब बोला जी ना रे तू ना भाई, मैं अपने आप संभाल लूँगा सब कुछ। बोला जी ना मैं तो निकल लियो। अब ये दिल्ली पहुँचा और आलम साहब यहाँ से यूपी भाग गया। यूपी में एक जगह बंदायू, बंदायू जाके रहना शुरू कर दिया। बहलोल दिल्ली पहुँचा, दिल्ली पहुँच के पत्र लिखा भाई तू कड़ो गए हो,
बोला जी आप ही गए, आप ही नाम अब दोबारा से। बोला भाई आजा तू तेरे साम्राज्य को संभाल, मेरे को ये नहीं संभालना है। तो बोला ना तुमने बावड़ा समझे कि मैंने बेरो तू मैंने मारे ही मारे छोटे ही को नहीं, मैं वैसे ही चला गया, पहले तू संभाल ले तेरा साम्राज्य, तू ही चला इसको। तो फिर शासक बन गया कौन, बहलोल लोदी और वंश की स्थापना कर देता। कौन से की, लोदी वंश की। कब करता है भाई 1451 में, और लोदी वंश कब तक चलेगा 1526 तक। उनको बाहर मैम को चाय की बोल के आओ भाई कि चाय पिलाई, सारे जाओगे। तो अब शासक कौन बना भाई, बहलोल लोदी शासक बना। हाँ जी याद करने की बोला था ना, तो सुनाओगे पक्की बात है। चलो सुनाओ फिर, काठियावाड़ा का युद्ध कब हुआ था, और नीलवाड़ का, ग्यारह सौ चौरानवे में हो जा खड़ा बेटा, फंस गया तुम तो। हाँ जी जनाब बता, चल चंदावर का युद्ध कब हुआ। हाँ जी युद्ध याद नहीं हुए, पद्मावती किसकी धर्मपत्नी थी, पद्मावती को जानता है कौन थी पद्मावती। हाँ ये बड़ा याद हो गया तेरे, सुंदर महिला थी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या रिश्ता था उसका, पद्मावती का अलाउद्दीन खिलजी के साथ। हाँ जी बहन बनाई थी, बनाना क्या चाहता था पत्नी, या तो घोट के पी रखी थी जमी कती। हाँ जी जनाब क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। अच्छा बता फिर काठियावाड़ा का युद्ध कब हुआ, और अनिलवाड़ का। कौन सा पिचपन, 1000 पिचपन की तो हमने कोई बात ही नहीं की। 1198 में नहीं हुआ था, यस और नो, यस किस किस के बीच हुआ था। मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी नाम भी अभी तक कोई कौन था बता फिर, पोता नहीं था, पोता होगा सोच ले, उत्तरी था, क्या खास बात थी उसकी। हाँ बैठे कैसे हो, बड़े शान से बैठे हो, ये कैमरा आपकी तरफ घुमा दे। चलो बताओ फिर, जो इल्तुतमिश था उसने एकता प्रथा को कब बंद किया था। क्या थी एकता प्रथा, किसको बंद, किसने किया एकता प्रथा को। बताओ
अलाउद्दीन खिलजी ने। पक्की बात है, जम्मी। अच्छा, गुजरात का शासक कौन था फिर बता चल अलाउद्दीन खिलजी के समय? देख देख के बता रहा है, करण देव। करण देव की एक धर्म पत्नी थी, क्या नाम था? कमला देव। शादी किससे हुई थी? किसी के लिए? आपके बाप के लिए बाज गई? दोनों बाज गए। कहाँ भाग गए? देवगिरी में भाग गए। अच्छा, चिमना बेगम कौन थी? चले के आया था, फिर कट गई। बस है ना, अब तक ले भाग गई। मतलब पत्नियां सारी भगा दी आप लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा किसी की पत्नी को। तो ये पत्नी पत्नी क्यों याद कर रहे हो? बात तो ये है ना, लुगाई सारी याद कर ली था हमने, किसकी किसका गला कौन सी बाजी, यू देख भी कौन करे याद। ये करो को नहीं, हाँ तो एक ने 70-70 रानियां ले रखी, रानी सारी याद कर रखी है। बोले फलानी सेनापति के लिए बाजगी दगड़ी, उसके गले बाजगी दगड़ी, उसके गले बाजगी, वो सारी यादें तारे। क्यों भाई, खास लगाव है क्या आपका? तो लगाव है खास तभी याद हो जाए। चलो फिर एक और बता दो, जो राजा दाहिर था उसकी दो पुत्रियां थी। हाँ, दो, सूर्य देवी और परमिल देवी, ये भी याद कर रखी है। चल उस टाइम पे खलीफा कौन था ये बता। अली बुकर था उस टाइम पे खलीफा। मोहम्मद बिन कासिम से शादी किसने की थी? सही है भाई, तुम तो एक भी लुगाई को नहीं छोड़ रखा, सारी की सारी रट के भगा रखी है। युद्धों का कोई नाम निशान नहीं कहीं पे भी, राजा का कोई मतलब नहीं बेचारा, सिर्फ वही राजा बताते हो ना जहां पे पत्नियों का जिक्र आता है। चल बता फिर, मोहम्मद गोरी का भारत पे पहला अटैक। ग्यारह सौ चौरानवे में मोहम्मद गोरी का भारत में पहला अटैक। अच्छा, संयुक्ता देवी कौन थी? बताओ, भीमदेव की प्रेमिका, पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका, पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका लड़की, बच्चे बच्चे हुए थे नहीं हुए? बात तो वही है कि याद तो पत्नी पत्नियां ही करनी है,
अब हर रोज पत्नी कहाँ से लेके आए भाई, अब बहलोल की तो पत्नी आएगी नहीं, इनके यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है बेचारों के यहाँ। सैयद वंश में कोई जिक्र आया ना? सैयद में आया ना लोदी में आएगा। वैसे क्रिएट करना शुरू कर दें फिर, हर एक युद्ध में एक पत्नी को ले आई। नहीं बाकी कैमरा घुमा दें आपकी साइड है ना, क्यों कहाँ सुना दिए? लुगाइयाँ तो भारी को नहीं आवे मेरे बेटे, सारे दिन पता नहीं किस से उच्चे जावे। चलो बैठ जाओ, ये लास्ट मौका दे रहा हूँ, कल को ये कैमरा घुमाऊंगा आते ही। चलो पढ़ आइयो और फिर हर जगह अपलोड करवाऊंगा वो वीडियो कट करवा के, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यहाँ तक कि टेलीग्राम ग्रुपों में भी शेयर करवाऊंगा। जितना हुआ अभी तक सारा सुनेंगे, 712 से लेकर अब तक। चलो आ जाओ इस पे लोदी वंश पे। पहला अफगान वंश, संस्थापक कौन है भाई? बहलोल लोदी भाई। बहलोल लोदी की बात करें, इसकी चर्चा करें, कब शासक बना, कब तक रहा? 1190 1489 तक। कौन से सिक्के चलाए? बहलोली नामक सिक्के। और क्या किया इसने? इसके बाद शासक सिकंदर लोदी कब तक? कब तक? ये 1190 के है। क्या कहते हैं इसको 1190 को? 89 क्या होता है? 3-5 चीजें होती हैं। जाओ एक तो ये होता है, क्या होता है ये? '69, '69, '79 ठीक है। 59 को बोलते 59, 79, 79 और 89 ठीक है। हाँ जी 79 उ और न। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की भाई कब? 4 में। राजधानी कब बनाया? 1506 में। गजे सिकंदरी, क्या किया इसने? गजे सिकंदरी का प्रचलन किया भाई। कितने इंच का था? भूमि मापने का एक पैमाना, एक स्केल था भूमि मापने के लिए। उसके बाद और क्या किया भाई सिकंदर लोदी ने? कब की बात है? 1500 पर अधिकार भाई। कब की बात है 1500 पर अधिकार? 1511 के अंदर। 1517 में मर गया भाई। अगला शासक कौन बन गया? इब्राहिम लोदी बन गया भाई। इब्राहिम लोदी कब बना, कब तक रहा? 1526। 1517 में कौन सा युद्ध हुआ? खतौली का युद्ध हुआ। किसने क्या किया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भजा दिया भाई। 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ।
21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर के हो गया भाई जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो कि तोड़ मारा गया, युद्ध स्थल पे मारा गया, वो कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। ये होगी तारीफ पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत। अब बताओ और क्या क्या विचार हैं आप लोगों के? कोई खास नहीं, इसने ये बेचारा शांति प्रिय शासक था, हुए तो लेकिन एग्जाम में आने वाले नहीं हुआ। अब बताओ भाई क्या क्या पूछना है आप लोगों को, नहीं फिर मैं कल पूछूंगा और जलील करूंगा अलग से। कोई डाउट हो, कोई गिला, कोई शिकवा हो आप लोगों की, कोई शिकायत हो? कोई शिकायत नहीं है, इतने शांति प्रिय बच्चे कहाँ से आते हो आप लोग? डेली अप डाउन करते हो? कितने बजे आते हो? जाते कितने बजे हो? तो इतनी लंबी क्लास तो नहीं होती फिर? और फिर